आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, आज हम आपकी इंग्लिश किताब की एक पोएम पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय अ वेल नोन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट Frost. He was born in 1874 and he died in 1963. He was an American poet and he was born in San Francisco, California. So as far as this poem is concerned, this is a well-known poem and it is about making choices. एंड द चॉइस इज दैट शेप अस। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। ये हमें चॉइसेस, हम जिंदगी में जो मुख्तलिफ डिसीजनस लेने पड़ते हैं चॉइसेस के बारे में है। तो आज मैं आपको इसी पोएम की जो है समरी बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन बताऊँगा। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताऊँगा कि हैव यू एवर मेड एनी चॉइस इन लाइफ। क्या आपने कभी ज़िंदगी में कोई चॉइस चॉइस जब आपको मौका मिला चूज़ करने का, तो कोई ऐसा मौका मिला है आपको जहाँ पर आपको चॉइस करनी थी? हाउ डू यू फील व्हेन योर फादर सेज यू टू चूज़ एनी वन थिंग विच ही हैज़ ब्रॉट फॉर यू एंड योर सेबलिंग्स। अगर तुम आपके बाप ने कोई आपके सेबलिंग्स के लिए या आपके लिए कोई चीज़ लाई है तो आपको फिर उसमें चॉइस करनी है। ऐसा कोई मौका मिला है आपको जब आपको चॉइस करनी पड़ेगी अपने लिए या दूसरों के लिए? इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द सिंपल इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ। यानी इस पोएम में वो जो है शायद अपनी ज़िंदगी का एक वाक़ा बता रहा है, एक इंसिडेंट बता रहा है। He is standing at a point where he has to make a decision to choose a road. The poet has reached in a place at a point where the road diverged. वहाँ पर road जो था उसको दो शाखें निकल रही थी। And the poet had to make a decision. The poet has to make a decision which road he will choose for himself. Two roads run in different direction, but the two roads they run in different directions. One road was going to one direction and the second was going into second direction. He decided to travel on that road over which few persons people have traveled. And lastly the poet decided to travel on which few persons traveled. He leaves the other for another day and the second road, he left the second road for next day. तो इसकी जो जहाँ तक समरी का ताल्लुक है मैं आपको वही बताऊँगा। One morning in autumn season, the poet was standing in a wood. यानी वो एक जंगल में बैठा हुआ था, autumn का season था, चल रहा था। He reached a point from where the road diverged into two directions and he reached at that point where the road diverged means जहाँ पर road की दो शाखें निकल रही थी into two direction, दो directions में वो road जो है जा रहा था। He wanted to run on both. The poet wanted to run on both the roads, but he stood there undecided for a long time. But he was thinking about which road is safe for him and which road he should travel. And for that he was standing there undecided. यानी उसने कोई फैसला ही नहीं लिया, बहुत वक्त वहीं पर गुजारा उसने, वो फैसला लेने से कासिर रहा। He looked down on the road as far as he could see. After thinking for some time, he decided to take the other one because it was a grassy and looked like nobody had been that way yet. And first he chooses one road, after that he decided to
ट्रेवलर ऑन द सेकंड वन दैट वाज अ ग्रॉसी, वो जो था वो ग्रॉसी था, उस पर घास उगा हुआ था एंड लुकड लाइक नोबडी हैड बीन दैट, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वहाँ से कोई गुजरा ही नहीं है. एंड ही वाज क्यूरियस अबाउट व्हाट इट वुड लीड टू, और वो क्यूरियस हो गया कि मैं देखूंगा कि ये रोड मुझे कहाँ ले जाती है. द पोएट लेफ्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, वो जो पहला वाला रोड था उसको उसने दूसरे दिन के लिए रखा कि मैं इसको दूसरे दिन इस रोड पर चलूँ. बट ही वॉज इन डाउट वेदर ही वुड बी एबल टू कम बैक एंड ट्रेवल ऑन दैट रोड, मगर वो शक में था. ही वॉज इन डाउटफुल दैट वेदर ही वुड बी एबल टू ट्रेवल ऑन दैट रोड आर नॉट, क्या मैं वो इस रोड पर कल जा सकूँगा या नहीं जा सकूँगा. द पॉइंट न्यू दैट वन हैड टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग चॉइसिस फॉर फ्यूचर, तो शायर जानता था कि फ्यूचर में जो कोई फ्यूचर के लिए कोई चॉइस अगर करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो उस वक्त इंसान को बहुत ही केयरफुल होशियार रहना चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पर्सन चूजेस अ चॉइस एंड बिगिन्स टू वर्क फॉर दैट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द चॉइस एंड टू टेक अनदर चॉइस, क्योंकि शायर को ये भी मालूम था कि अगर इंसान कोई डिसीजन लेता है कोई चॉइस करता है और बाद में उसके ऊपर वो काम भी करता है और ये उसके बाद उसके लिए बाद में मुश्किल हो जाता है कि अगर वो उसको वो चॉइस चेंज करनी पड़ती है या कोई अनदर चॉइस लेनी पड़ती है. दिस वेरी चॉइस मेक्स टू मच डिफरेंसेस इन वन्स लाइफ, ये जो चॉइस है इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम मायने रखता है. और सो द पॉइंट इन दिस पॉइंट कन्वेज द आइडिया दैट वन शुड बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग एनीथिंग स्पेशली वन्स कैरियर, और शायर हमें इस पॉइंट के जरिए यही समझाना चाहता है कि इंसान जो है अगर उसको कोई डिसीजन लेना होगा अपने फ्यूचर के बारे में, ही शुड बी वेरी मच केयरफुल एट दैट टाइम, उस वक्त उसको बहुत ही मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जो जब कोई चॉइस होती है स्पेशली फॉर द कैरियर, कैरियर के बारे में कोई चॉइस अगर लेनी होगी किसी को, तो उस वक्त जो है शायर को बहुत ही किसी इंसान को बहुत ही फिर वो चॉइस जो है उस पर अगर वो मतलब कोई डिसीजन लेता है तो उसको फिर उस डिसीजन को फिर मतलब चेंज करना वो इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो ये जो पॉइंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये हमें यही कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इंसान को डिसीजन लेते वक्त फ्यूचर के मुतलिक कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा, बड़े बड़े ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले लेते वक्त इंसान को बहुत ही मोहतात से काम लेना चाहिए, बहुत ही शुड बी वेरी मच केयरफुल वेन एवर ही हैज़ टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग हिज लाइफ और फॉर एनी थिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ एनी स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ एनी फॉर द फ्यूचर ऑफ हिमसेल्फ ही एट दैट टाइम शुड बी वेरी मच केयरफुल. यही बात शायर हमें इस पोइम के जरिए समझाना चाहता है. तो मुझे मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही, आपने समझा होगा कि ये जो इसकी समरी है ये इसी बारे में है. थैंक यू.